बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गेटवे टू फिज़िक्स चैनल के ऊपर हम नाइन्थ की फ़िज़िक्स डिस्कस कर रहे हैं और टॉपिक आप बोर्ड पे देख सकते हैं, इलास्टिसिटी एंड हुक्स लॉ। इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी को डिस्कस करने से पहले अगर हम बिल्कुल अपना स्टार्टिंग टॉपिक काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के ऊपर चले जाएँ, तो वहाँ हमने पढ़ा कि जी सॉलिड्स इसलिए सॉलिड्स हैं कि उनके जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, हम तो पार्टिकल्स इसलिए कहते हैं कि फिज़िक्स उनके केमिकल नेचर के साथ डील नहीं करती है, तो आप पार्टिकल का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं। उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जो उनको जाने नहीं देती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन अट्रैक्टिव फोर्सेस की कोई रेंज है, कोई हद भी है, या बस ये लामहदूद है, यानी जितना आप दूर ले जाते जाइए ये वो फोर्स है जो एक्ट करती जाएगी। तो नेचुरली कॉमन सेंस भी कहता है कि नो, और फिज़िक्स भी कहती है कि नो। तो कुछ हद के अंदर जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं कि आप उस पार्टिकल को, उस मॉलिक्यूल को दूर ले जाएं, उसको डीफॉर्म करें, उसकी शेप में कोई तब्दीली लाएं, हम उसके लिए बिगाड़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिसको इंग्लिश में डिफॉर्मिटी कहते हैं, तो अब वो जो पार्टिकल्स हैं वो उन्होंने भी तो कुछ ना कुछ करना है। अगर कुछ नहीं कर सकेंगे तो हम कहेंगे कि जी आप भले थोड़ी सी फोर्स लगाइए, आप इनको तोड़ सकते हैं। तो नेचुरली यहाँ पे हमारा फिर वो कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब होता है कि जी दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस इन बिटवीन। अब वो जो फोर्स है वो करती क्या है? जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो उसके नतीजे में फोर्स एक्ट करती है उसी ऑब्जेक्ट को वापस अपनी शेप में लाने के लिए, और वो जो वापस लाने के लिए फोर्स कोशिश करती है, वो जो बॉडी की एबिलिटी है, दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी। सो व्हाट इज़ इलास्टिसिटी? द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल या इनिशियल हमें कभी कभी अपने स्टूडेंट से बड़ा डर लगता है क्योंकि वो अल्फाज में बहुत डेप्थ में जाते हैं, और जब डेप्थ में जाते हैं तो वो कहते हैं जी ओरिजिनल क्या थी, इनिशियल। तो इसीलिए हम दोनों कर देते हैं कि आप अगर ओरिजिनल से सेटिस्फाई होते हैं तो ओरिजिनल ठीक है, अगर आप इनिशियल से सेटिस्फाई होते हैं तो इनिशियल ठीक है। द एबिलिटी ऑफ मटीरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। सो अब इलास्टिसिटी क्या है कि मैंने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, जब वो फोर्स हट गई तो ये ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल शेप में, अपनी असल शक्ल में चला गया। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। अब अक्सर बच्चे एक कॉन्सेप्ट को कंफ्यूज कर जाते हैं, एग्जाम में सवाल आ जाता है जी स्टील इज़ मोर इलास्टिक और रबड़, तो वो कहते हैं जी नेचुरल रबड़ होना चाहिए क्योंकि जी हम देखते हैं रबड़ में। आप ये देखिए कि जिस फोर्स से स्टील वापस आ सकता है क्या रबड़ भी उससे आ सकती है? मिसाल के तौर पे अगर आप गाड़ियों में देख लें उनके नीचे स्प्रिंग लगे होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम कर रहे होते हैं, आप थोड़ी देर के लिए तस्वीर में लाइए ये स्प्रिंग क्या मैं रबड़ से बना सकता हूँ? क्या ये जो गाड़ी है ये रबड़ के ऊपर अगर रेस्ट कर रही हो तो इसी तरह चलेगी? नेचुरली आपको एक आम मैकेनिक, एक आम शख्स जिसका साइंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा, वो भी आपको कहेगा नहीं भाई क्या कह रहे हो, स्प्रिंग की अपनी एक ताकत है, स्प्रिंग की अपनी एक सलाहियत है। सो नेचुरल सी चीज़ है कि जितनी ज़्यादा फोर्स से वो वापस रीगेन कर सकेगा। देखिए असल सवाल ये है कि रीगेन, तो जितनी ज़्यादा फोर्स से वो अपनी शेप को रीगेन कर सकेगा उतना ही ज़्यादा इलास्टिक कहलाएगा। अब भले वो रबड़ है कि भले वो स्टील है, ये सोचना अब आपका काम है।
हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ों की इलास्टिसिटी मुख्तलिफ होती है, स्टील है, रबड़ है, कॉपर है, ब्रास है, मुख्तलिफ प्योर मेटल्स हैं, प्योर मटेरियल्स हैं, इम्प्योर मटेरियल्स हैं, हम उनमें ख़ास किस्म की एडिशन करते हैं, हम उनमें ख़ास किस्म की, ये केमिस्ट्री वालों का जो एरिया है, डोमेन है, मेटलर्जी उसको कहते हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ मेटल्स को कम्बाइन करके डिफरेंट डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ ऑब्टेन करते हैं। तो कहाँ पर हमें इलास्टिक नेचर चाहिए, कहाँ पे नॉन इलास्टिक नेचर चाहिए। अब जितना नॉन इलास्टिक होगा हम उसको ब्रिटल कहेंगे, जैसे कि ग्लास है, ग्लास में इलास्टिसिटी बहुत कम है, तो अगर आपने उसको थोड़ा सा भी बेंड किया तो वो टूट जाएगा। उसके मुकाबले में अगर आप एक स्प्रिंग को या स्टील को ले लें, उसको बेंड कर दें, काफ़ी हद तक वो बेंड हो सकेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स के बावजूद वो वापस जा सकेगा। देन वी हैव हुक्स लॉ। अब हुक्स लॉ से पहले हमने किसी स्प्रिंग को खींचा, अनफॉर्चुनेटली मुझे अपने पास कुछ स्प्रिंग टाइप चीज़ अपने साथ रख लेनी चाहिए थी सो दैट हमारे स्टूडेंट्स उसको देख सकें, बट चूंकि ये इतनी कोई नादर और नायाब चीज़ नहीं है, हमारे स्टूडेंट उसको इमेजिनेशन में भी एज्यूम कर सकते हैं। आप एक स्प्रिंग को लेते हैं, उसको खींचते हैं, वो खुल जाता है, छोड़ते हैं, वो वापस बंद हो जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगर मैं फोर्स बढ़ाता चला जाऊं तो ये उसी तरह खुलेगा फिर बंद होगा? सो द नेचुरल आंसर इज़ नो। एक हद तक तो ये खुलेगा और बंद होगा। अब ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, ये इसके साथ मैंने कोई मास अटैच कर दिया, लेट सपोज दिस इज 100 ग्राम। अब ये इसको नॉर्मल से थोड़ा सा तो नीचे लाएगा, लेट सपोज ये इसका इक्विलिब्रियम या मेन पोजीशन थी, ये उससे नीचे आ गया, यानी इतना ये मास डिस्प्लेस हो गया। ये लफ्ज़ बड़ा इम्पोर्टेंट है, डिस्प्लेस, पूरी जगह नहीं है, आप इसी को एज्यूम कर लीजिए, डिस्प्लेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इसने। लेकिन अगर मैं 100 ग्राम की जगह 200 ग्राम करूँगा तो यहाँ पर ये फिर भी डिस्प्लेस होगा। सवाल ये है कि क्या इतना ही डिस्प्लेस होगा? तो द नेचुरल आंसर इज नो, डिस्प्लेसमेंट इसकी ज्यादा होगी। लेट सपोज ये यहां तक आ गया, तो अब के डिस्प्लेसमेंट ये हो गई, मैं इसको x1 कह देता हूं, इसको x2 कह देता हूं। अब अगर मैं इसके साथ मास को थोड़ा और बढ़ा दूं, चलिए जी 300 कर दिया, तो ये यहां तक आ गया। सवाल अब फिर वही है कि 400 कर दूं, 500 कर दूं, 600, 700, 800, 1 किलोग्राम, बस ये होता रहेगा। सो द कॉमन सेंस एंड द ऑब्जर्वेशन एंड द एक्सपीरियंस इज नो, देयर इज अ लिमिट। इसीलिए हम इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इलास्टिक लिमिट। अब हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ की मैंने जितनी बातें कही इनको आप रिवर्स करके देखिए, उल्टे ऑर्डर में देखिए, वही हुक्स लॉ है। हुक्स लॉ कहता है Within elastic limit, यानी आपने गुफ्तगू से पहले शर्त क्या लगानी है कि आपने जितनी कार्रवाई करनी है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर करनी है। बाहर निकल गए फिर हुक्स लॉ या हुक साहब जो हैं, रॉबर्ट हुक साहब 1660 में उन्होंने ये लॉ दिया था, वो कहते हैं जी हम जिम्मेदार नहीं होंगे। Within elastic limit, the extension या आप इसको डिफॉर्मिटी भी कह सकते हैं, प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Applied force, और मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ दी थी डिफॉर्मिंग के लिए, यानी वो जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो कौन सी फोर्स है? डिफॉर्मिंग फोर्स है। अब वो जो आप देख रहे हैं कि जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, हम कहते हैं कि यानी जितना आप फोर्स ज्यादा लगाएंगे उतना एक्सटेंशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जितना फोर्स कम करते जाएंगे उतना एक्सटेंशन कम होता जाएगा, और
अगर आप ऐसा भी नहीं है कि एक्सटेंशन तो ज़्यादा हो रहा है और फोर्स सेम है, फॉर द सेम फोर्स देयर विल बी सेम एक्सटेंशन. सो जैसे जैसे आप फोर्स को बढ़ाते जाएंगे एक्सटेंशन बढ़ता जाएगा. अब पुरानी बात है कि जब हम इसे हटाते हैं तो हम यहाँ पे एक अदद कांस्टेंट लगाते हैं. मैं जल्दी जल्दी, ये कांस्टेंट है के. के पे गुफ्तगू करने से पहले मेरा एक सादा सा क्वेश्चन है. हमने बात की, ये एक स्प्रिंग है, इसको हमने बनाया है स्टेनलेस स्टील से, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल इसी शेप में, इसी थिकनेस का हम एक ब्रास, हमारे पास एक पीतल जिसे कहते हैं दूसरा मटेरियल है, उसका भी स्प्रिंग बना हुआ है. क्या कॉमन सेंस को ये बात अपील करती है कि 100 ग्राम पे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर एक्सटेंशन हुई और 100 ग्राम पे यहाँ भी 1 सेंटीमीटर होगी? तो अगर ऐसा ही है तो फिर 2 या 3 या 4 किस्म के मटेरियल्स का, यानी हम कहते हैं जी ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है, ये बड़ी बेकार क्वालिटी है, भाई क्वालिटी का तो काम ही नहीं है. जो काम ब्रास कर रहा है वही स्टील भी कर रहा है, वही कॉपर भी कर रहा है, वही एल्यूमिनियम भी कर रहा है, तो फिर ये इतनी बहुत सारी नो. सो द कॉन्सेप्ट और कॉमन सेंस जो है वो इस चीज़ को नहीं मानता. ये जो के है, दिस शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मटीरियल विच इज़ यूजुअली नोन एज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट. बाज़ बच्चों का ये भी प्रॉब्लम होता है कि जब भी आप के लगाइए तो वो कहते हैं द वैल्यू ऑफ के इज़ 1. नो, इज ओनली 1 इन वेरी स्पेसिफिक केसेस. हेयर द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट मटीरियल. बुक में आप देख लीजिए, आपको मुख्तलिफ मटीरियल्स के स्प्रिंग कॉन्स्टेंट मिलेंगे. और अगर मैं के को इधर छोड़ दूँ तो ये हो जाएगा एफ ओवर एक्स. तो अब हम इसके ज़रिए बनाते हैं यूनिट ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, यानी स्प्रिंग कॉन्स्टेंट को, या ये मटेरियल कांस्टेंट भी इसको कहते हैं कि इसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे. तो फोर्स को हम मेजर करते हैं किसमें? न्यूटन्स में. डिस्प्लेसमेंट है इसको सिस्टम इंटरनेशनल में, इट शुड बी एक्सप्रेस इन मीटर. सो के इज न्यूटन मीटर इनवर्स और न्यूटन पर मीटर. दिस इज द स्प्रिंग कांस्टेंट. अब स्प्रिंग कांस्टेंट अगर हम इसी चीज़ को, ये जो हमने ओम्स लॉ पढ़ा है, अगर हम इसी को थोड़ा सा ग्राफिकल मेथड के जरिए रिप्रेजेंट करें तो हम एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं. फोर्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है. चूंकि इसका प्रैक्टिकल भी हमारी बुक में है, हमारे कोर्स में है. देखिए, जब भी ग्राफ में आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आती है तो दैट शोज डायरेक्ट रिलेशन जो कि इसकी आइडेंटिटी है. जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाते हैं, जैसे मैंने कहा 100 ग्राम से 200 किया, 2 से 300 किया, 3 से 400 किया, तो जैसे जैसे आप यहाँ पे आगे चल रहे हैं, यानी ये 100 है, ये 200 है, ये 300 है, ये 400 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, वैसे वैसे ये भी बढ़ता चला जा रहा है. अब शुरू में तो हमें ये यूँ मिलता है, लेकिन हमने यहाँ पर शर्त लगाई थी विद इन इलास्टिक लिमिट. लेट सपोज दिस इज द इलास्टिक लिमिट फॉर मटीरियल. अब उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद का एक्सपेरिमेंट बड़ा आसान है. आपने देखा होगा आपके पास वो पेन होते हैं जिनमें एक छोटा सा स्प्रिंग होता है, इसको थोड़ा सा खींचिए फिर छोड़ दीजिए, थोड़ा सा खींचिए फिर छोड़ दीजिए, फोर्स बढ़ाते जाइए. एक वक्त ऐसा होगा जब आप इसको खींचेंगे तो फिर थोड़ा सा खींचने पर ये खींचता ही चला जाएगा. होगा क्या कि अब जब आप फोर्स लगाएंगे तो इसकी एक्सटेंशन कुछ एबनॉर्मली चेंज होती जाएगी और हम कहते हैं कि अब ये इलास्टिक लिमिट से निकल गया है. इलास्टिक लिमिट से निकलने के बाद भी इसमें कुछ तब्दीलियां होती हैं और अगर आप फोर्स बढ़ाते जाएं तो एक वक्त ऐसा आएगा जब ये इसके अंदर जो यही जो स्प्रिंग है ये कुछ लगभग इस शक्ल में आ जाएगा और बढ़ाएँ तो इस शक्ल में आ जाएगा और बढ़ाएँ तो यहाँ से ये टूट जाएगा. जहाँ से ये टूटता है इसको कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट. अच्छा, जब ये डिसऑर्गेनाइज किस्म की एक्सटेंशन शो करे, ये भी देखिए कुछ समझ ही नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है, इस रीजन को, यानी जहाँ पे इलास्टिक लिमिट ख़त्म हो जाती है, इलास्टिक लिमिट से लेकर ब्रेकिंग पॉइंट तक का जो इलाका है इसको प्लास्टिक रीजन कहा जाता है.
और प्लास्टिक रीजन कहाँ ख़त्म होता है, ब्रेकिंग पॉइंट के ऊपर। सो ये हमारे पास हुक्स लॉ का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो जाती है, इसी को अगर आप देखें। सो इसकी एप्लीकेशंस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, हमारे कोर्स में नहीं है, सो वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रेस स्ट्रेन और यंग मॉडुलस जो है उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।